हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेयर 24/7। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है पजल पहेली। दोस्तों, बैंकिंग और कई सारे एग्जाम्स के अंदर पजल से लगभग 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, किस तरीके से पजल को सॉल्व करने के लिए अप्रोच अप्लाई करते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और कितने टाइप्स की पजल्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें इस पजल की सीरीज में देखेंगे। आज दोस्तों, मैं पजल स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका पार्ट फर्स्ट में स्टार्ट करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कितने टाइप्स की पजल होती हैं। साथ के साथ दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊँगा आपको। आइए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं पजल पार्ट फर्स्ट। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितने टाइप्स की पजल्स होती हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट है वो है आपका कौन सा, जनरलाइज्ड पजल। बिल्कुल बेसिक होती हैं, कहने को बेसिक होती हैं, बट कहीं ना कहीं इसमें भी आपके मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रेजेंट कर दिए जाते हैं। कैटेगराइज्ड पजल हो सकती हैं, कैटेगरी में बटे हुए आपके कंटेंट्स हो सकते हैं। डे, मंथ और ईयर के बेस पर पजल हो जाती हैं। फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, ऑर्डर एंड कंपैरिजन बेस्ड पजल होती हैं। ब्लड रिलेशन की पजल होती हैं। फ्लैट बेस्ड पजल होती हैं। फिगर्स, डायरेक्शन एंड मिक्स्ड बेस्ड पजल भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो दोस्तों, ये कई प्रकार की आपकी जो कैटेगरीज होती हैं, इन सबको हम लोग वन बाई वन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बिल्कुल बेसिक पजल, क्योंकि ये पजल का सबसे पहला वीडियो है और दोस्तों, पहली वीडियो के अंदर हम लोग हाई लेवल की पजल स्टार्ट नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक के साथ साथ धीरे धीरे अप लेवल पर चलते जाएंगे, देन आपका मॉडरेट लेवल आएगा, उसके बाद आपका एडवांस लेवल आएगा और जो आपके नए पैटर्न के पजल्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग मैनेज करेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग, आज की पहली पजल देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी सबसे पहली पजल। दोस्तों, पजल को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो शुरुआत में स्टेटमेंट्स लिखी रहती हैं, उन सारे स्टेटमेंट्स को आपको प्रॉपरली पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी शुरुआत के स्टेटमेंट में दे रखी होती है, जिसको आगे जाके पजल में हमें यूज करना पड़ता है, अगर हम उनको केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो उस केस में पजल को सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ना अपने को। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए, 7 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी बिलोंग टू 7 डिफरेंट स्टेट्स। यानी कहने का मतलब, यहाँ पर 7 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी और अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेमली स्टेट्स के नाम क्या है, देखिए, आसाम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय और पंजाब। दे आर अपीयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स आर आर बी पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क एंड एस बी आई पी ओ। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स appear फॉर अ सिंगल एग्जाम। दोस्तों, ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कि एक एग्जाम के लिए मिनिमम यानी कम से कम 2 लोग appear होने हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 से ज्यादा तो हो सकते हैं, बट कम से कम 2 तो होना ये कंपल्सरी, यानी एक एग्जाम के लिए 2 लोग। अब देखिए, पजल आपकी यहाँ से स्टार्ट हो, तो 7 लोग दे रखे ए बी सी डी ई एफ जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन क्या कह रही है, एफ एंड द पर्सन बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश अपीयर फॉर द सेम एग्जाम। कंडीशन सारी आप लिखते चलिए। देखिए, यहां पर पहली कंडीशन क्या है, जो एफ है और जो हिमाचल प्रदेश के बंदे हैं, ये दोनों लोग आपके सेम एग्जाम देंगे। अब हमें यह नहीं पता कि यहाँ पर एचपी कौन सा है या कौन सा एग्जाम है, इसलिए अभी हम पुट कर नहीं सकते, साइड में लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट कंडीशन है, द पर्सन हु बिलोंग टू बिहार जी एंड बी, मतलब जो पर्सन बिहार से बिलोंग करता है, जी नाम का बंदा और बी नाम का बंदा, मतलब 3 लोगों की बात हो रही है। यहां पर कौन कौन सी है, एक तो है बिहार, कॉमा जी और बी, ये 3 पर्सन है और ये तीनों भी आपका सेम एग्जाम
अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, अपीयर फॉर द सेम एग्जाम। आगे कह रहा है डी बिलोंग्स टू नाइदर हरियाणा नॉर मध्य प्रदेश, यानी अगली कंडीशन क्या है कि जो डी है वो आपका हरियाणा और एमपी को बिलोंग नहीं करते, क्लियर। नेक्स्ट है ई अपीयर फॉर एसबीआई पीओ, देखिए ये कंडीशन जो आपकी एग्जैक्ट है इसको हम प्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ई जो है ना एसबीआई पीओ का एग्जाम दे रहा है तो ई जो है ना वो आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम दे रहा है, बट डज नॉट बिलोंग्स टू बिहार, मतलब जो ई है वो आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम तो दे रहा है बट जो है बिहार से नहीं है वो, मतलब जो आपका कैंडिडेट ई होगा वो आपके बिहार से बिलोंग नहीं करता, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कह रहे द पर्सन हु बिलोंग टू हरियाणा एंड बिहार अपीयर फॉर आरआरबी पीओ, मतलब अब क्या कह रहा है यहाँ पर जो हरियाणा वाला जो पर्सन है और जो बिहार वाला पर्सन है ये क्या बिलोंग कर रहे हैं आपके आरआरबी पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब अब समझिए बिहार वाला आरआरबी पीओ, तो देखिए ये बिहार है बिहार आरआरबी पीओ, मतलब यहाँ पर भी आरआरबी पीओ, जी और बी ये भी आरआरबी पीओ को कंडीशन दे रखी है बिहार जी एंड बी सेम एग्जाम के लिए, दैट मीन्स आपका जी जो होगा वो आपका है आरआरबी पीओ के लिए, साथ के साथ आपका जो बी होगा वो भी किसके लिए होगा आरआरबी पीओ के लिए होगा, और एक बिहार वाला कैंडिडेट है जो कि अभी मुझे पता नहीं है, बट एक बात सुनिए तीन पर्सन है इसका नाम पता है, इसका नाम पता है बट इसका नाम हमें पता नहीं है, तो बिहार वाले का अगर नाम पता चल जाएगा देन हम उसको प्लेस कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं एफ अपीयर्ड फॉर नाइदर आईबीपीएस क्लर्क नॉर बिलोंग टू मध्य प्रदेश, मतलब जो एफ नाम का पर्सन है वो आपका आईबीपीएस क्लर्क और मध्य प्रदेश आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम नहीं देगा और मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं कर रहा। आगे क्या रखा है जी बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश, ये डायरेक्ट कंडीशन है तो जी जो है ना वो आपका हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। अब देखिए जी जो है ना हिमाचल प्रदेश से बिलोंग कर रहा है तो ये आप देखो एचपी वाला पर्सन और एफ वाला पर्सन सेम एग्जाम है, तो देखिए एचपी वाले पर्सन का एग्जाम कौन सा आरआरबी पीओ, तो आपका एफ का भी कौन सा बनेगा आरआरबी पीओ का एग्जाम बन जाएगा। देखिए बी बंदा यहां पर दे रखा है आरआरबी पीओ, जी बंदा यहाँ पर आरआरबी पीओ दे रखा है बट इसका नाम नहीं पता, तो ये तीसरा बंदा है जो आरआरबी पीओ से बिलोंग कर रहा है दैट इज एफ, तो एफ का मतलब ये किसके लिए आ जाएगा ये दोस्तों आपके बिहार का पर्सन है। नेक्स्ट आगे चलते हम लोग, अब देखिए जो बिहार वाला बंदा है वो आरआरबी पीओ और हरियाणा वाला बंदा वो भी आरआरबी पीओ, तो देखिए आरआरबी पीओ का एक हिमाचल प्रदेश का हो गया एक बिहार का हो गया और ये जो पर्सन है ये किसका फिर एग्जैक्टली बन जाता है ये आपका हरियाणा का बंदा होगा डेफिनेटली, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए कह रहा है डी डिड नॉट अपीयर आईबीपीएस एग्जाम क्लर्क, ठीक है, मतलब जो डी है वो आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम नहीं दे रहा है, क्लियर। अब देखो मुझे नहीं पता कौन सी कंडीशन है, अभी यहाँ पर और भी चीजें प्रेजेंट होंगी। अभी आगे देखते हैं सी बिलोंग टू मेघालय, यानी जो सी है वो आपका मेघालय से है, हाँ से मेघालय से है एंड अपीयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देगा वो आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दे रहे, ठीक है। अब देखिए जो डी पर्सन है, अब तो डी बचा हुआ और ए बचा हुआ, तो डी आईबीपीएस क्लर्क तो है नहीं है, दैट मींस ए क्या बन जाएगा अपना ये बनेगा परफेक्टली आईबीपीएस क्लर्क के लिए बनेगा। और आगे कह रहा था पर्सन हु बिलोंग टू पंजाब अपीयर आईबीपीएस क्लर्क, मतलब देखिए ये तो आईबीपीएस क्लर्क का मेघालय के लिए हो गया तो ये पर्सन किसका बन जाएगा एग्जैक्टली ये आपके पंजाब का बंदा हो जाएगा। अब एक बात समझिए, अब मैंने जो बताई थी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये वाला जो है इसका यूज करेंगे हम लोग। देखिए अब एक लोकेशन बची है कौन सा हम रखें यहाँ पर, यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क भी रख सकते हैं आरआरबीपीओ भी रख सकते हैं बट कंडीशन गलत हो जाती है। अगर देखिए यहाँ पर मैं आईबीपीएस क्लर्क रख दूंगा तो इन सभी में आईबीपीएस क्लर्क के तीन बंदे हो जाएंगे और आरआरबी के भी तीन बंदे हैं तो एसबीआई का सिर्फ एक बंदा बचेगा, जबकि यहाँ पर क्या कह रखा है एक एग्जाम के लिए कम से कम दो बंदे होने चाहिए, तो यहाँ पर देखिए तीन बंदे आरआरबी के निकल गए दो बंदे आईबीपीएस के निकल गए तो एक बचा लास्ट, तो वो किसके लिए बन जाता है ये एसबीआई पीओ के केस में आपका डेफिनेट हो जाएगा।
अब कंडीशन है यहाँ पर आपको स्टेट रखना है, तो देखिए जो डी वाला बंदा है वो हरियाणा भी नहीं है और एमपी भी नहीं है, तो यहाँ पर हरियाणा एमपी नहीं आ सकता, तो एमपी की लोकेशन कहाँ बनेगी, यहाँ पर बन जाती है मध्य प्रदेश की। देन लास्ट आपका एक स्टेट बचा हुआ है, उसका नाम क्या है दोस्तों, आसाम। परफेक्टली पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। कुछ सोचना पड़ता है, कुछ अप्रोच लगानी पड़ती है, तो किस तरीके से देखो मैंने अप्रोच लगाई है और इस पजल को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपको दे रखी होती हैं, अगर आपको एग्जैक्ट पता है, जो श्योर हो उसके बारे में, उसको तो साथ के साथ प्लेस करते रहिए, पर जो आपको श्योर नहीं है तो उनको साइड में लिखिए, और आप लिखने के बाद उनको ये एनालिसिस करिए कि कौन कौन सी चीज़ों को आपस में रिलेट करके चीज़ों को सही जगह पर सेट कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये पजल प्रॉपरली सेट हो चुकी है तो इसके बिहाव पर आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो मैं उन क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ एंड आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पजल। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एसबीआई पीओ। देखिए एसबीआई पीओ का 1% ये वाला हो रहा है, 1% ये वाला, और कोई पीओ का नहीं है, मतलब दो ही बंदे हैं, तो आंसर क्या लग जाएगा इसके लिए आपका सेकेंड आंसर। नेक्स्ट, डी बिलोंग्स टू विच स्टेट। डी किससे है भाई, डी आपका देखेंगे तो आसाम से बिलोंग करता है, तो इसके लिए केस कौन सा निकलेगा आपका, ए ऑप्शन है आपके लिए। हु अमंग द फॉलोइंग अपीयर फॉर आईबीपीएस क्लर्क। तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए देखो एक तो ए पर्सन है और एक सी पर्सन, ए एंड सी, तो ए एंड सी आपका पहला ही ऑप्शन दे रखा है, आंसर आपका ये वाला। फ्रेंड्स अगर पजल आपकी परफेक्टली सेट हो जाती है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, इजिली यू कैन मैनेज इट। ठीक है, हु बिलोंग टू हरियाणा, हरियाणा से कौन है, हरियाणा से देखिए बी पर्सन है आपका, आंसर आपका क्या बनेगा, बी बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है द स्टूडेंट हु बिलोंग टू मेघालय अपीयर्ड फॉर विच एग्जाम। तो मेघालय वाला बंदा देखिए ये है मेघालय आपका और आईबीपीएस क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा इसके लिए, आईबीपीएस क्लर्क। बात समझ में आई फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप पजल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों ये मैंने शुरुआत में बिल्कुल इजी पजल ले रखी है जिससे कि एक रिदम बनेगा और उस केस में चीज़ों को हम आसानी से स्टेप बाय स्टेप पजल को मैनेज कर पाएंगे। एक और मैं पजल आपको करा रहा हूँ, नेक्स्ट पजल देख लेते हैं हम लोग, ये रही आपकी नेक्स्ट पजल। तो फिर वही बात कि जितने भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं फ्रेंड्स उन सबको बड़े ध्यानपूर्वक हमें पढ़ लेना है। तो देख लेते एक बार, अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 7 पीपल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, वर्क एज इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, टर्मिनल ऑपरेटर, क्लर्क, फॉरेक्स ऑफिसर एंड रिसर्च एनालिस्ट। ये इन पोस्ट पर काम करते हैं आपके, फॉर बैंक, बैंक में काम करते हैं, एल एम एन पी क्यू आर एंड एस, ये आपकी बैंकों के नाम। मतलब यहाँ पर क्या है कि तीन चीज़ें दे रखी हैं, एक तो पर्सन के नाम दे रखे हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर उनकी पोस्ट दे रखी है आपकी किस तरीके से काम कर रहे हैं और कहाँ काम करते हैं बैंकों में, तो कौन कौन सी बैंक में कौन कौन काम करता है, तो अपने को तीन कॉलम यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो एक बार मैं कॉलम बना ले रहा हूँ। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग, यानी यहाँ पर रहेंगे आपके क्या, नेम, और उनके सामने रहेगी उनकी बैंक, और उनके सामने क्या रहेगा उनका वर्क। क्लियर, तो नाम है आपके वही सेम, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। क्लियर है, ठीक। सबसे पहली कंडीशन है जो सी है, सी वर्क्स फॉर बैंक एन, ये साफ दे रखा है, क्लियर दे रखा है, सी वर्क्स फॉर बैंक एन, ये स्टेटमेंट आपका क्लियर है, तो सी आपका बैंक एन में काम करता है। ठीक है, एंड इज नाइदर अ रिसर्च एनालिस्ट नॉर अ क्लर्क। कंडीशन ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या केस कह रहा है कि जो सी पर्सन है वो आपका रिसर्च एनालिस्ट और क्या नहीं है, क्लर्क नहीं है, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे क्या रखा कि जो ई है ना वो आईटी ऑफिसर का है, ई जो पर्सन है वो कौन है आपका, यहाँ पर इसका प्रोफेशन दे रखा है आईटी ऑफिसर। क्लियर है, तो एंड वर्क्स फॉर बैंक आर, और आर बैंक के लिए वो काम करता है। आगे कह रहा है ए वर्क्स एज अ फॉरेक्स ऑफिसर, तो जो ए है वो किसके लिए काम कर रहा है आपका, ये आपका यहाँ पर फॉरेक्स ऑफिसर का काम कर रहा है, फॉरेक्स ऑफिसर। ठीक है, एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक एल एंड क्यू, मतलब जो ए पर्सन है वो आपका एल और क्यू के लिए काम नहीं करता है। ठीक है,
द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क फॉर बैंक एम, मतलब ये कह रहा है कि जो आपका एग्रीकल्चर वाला बंदा है, एग्रीकल्चर जो ऑफिसर है वो एम बैंक में काम करता है, और कह रहा है द वन हु वर्क्स फॉर बैंक एल वर्क्स एज अ टर्मिनेटर टर्मिनल ऑपरेटर, मतलब जो टर्मिनल ऑपरेटर है, टर्मिनल ऑपरेटर है वो आपका बैंक एल में काम करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एफ वर्क्स फॉर बैंक क्यू, जो एफ है वो बैंक क्यू में काम कर रखा है, जी बैंक पी में काम करता है, और वो कौन है, रिसर्च एनालिस्ट है, तो ये कौन बन गया आपका रिसर्च एनालिस्ट। आगे लास्ट कह रहा है डी इज नॉट एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो जो डी है वो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, और जो आपकी एग्जैक्ट क्लियर थी वो मैंने आपकी प्लेस कर दी है। अब अपने को एनालिसिस करना है कि किस तरीके से यहां पर हम पूरी इंफॉर्मेशन रखेंगे। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर एम बैंक में काम करता है और एल जो होता है एल बैंक में टर्मिनल ऑपरेटर काम करता है, तो यानी हमें दो प्लेस ऐसे चाहिए जिनकी बैंक भी खाली हो और वर्क भी खाली हो। तो ऐसे दो बंदे कौन है, एक तो ये पर्सन है और एक आपका पर्सन ये वाला है, ये बात समझ में आ रही। तो देखिए इस वाली जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी प्लेस कर सकता हूँ एल ओब्लिक एम, या फिर यहाँ पर रख सकते हैं एल ओब्लिक एम। तो देखो क्योंकि ये भी जगह खाली थी और ये भी जगह खाली है, ए में देखें तो बैंक तो खाली है बट वर्क खाली नहीं है, आगे डी में देखें सॉरी सी में देखें तो बैंक है बट ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं एम और एल को प्लेस नहीं कर सकते। अभी मेरे पास एम और एल के लिए फिक्स लोकेशन आ चुकी है, कौन सी, ये वाली लोकेशन आ चुकी है, क्लियर है। अब देखेंगे तो यहाँ पर ये कह रखा है कि जो डी है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो डी जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है तो फिर क्या बन सकता है, उसकी बाद में कंडीशन देखते हैं। तो एल क्या था, टर्मिनल ऑपरेटर, में शॉर्ट में लेते रहूं टर्मिनल ऑपरेटर, और एम क्या था आपका ये एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर ऑफिसर, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, कंसीडर करिए इस चीज को। ऐसे एल यहां पर क्या बनेगा, ये भी आपका टर्मिनल ऑपरेटर है और यहां पर क्या बन जाता अपना एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो अब देखिए यहां पर आप क्रिस्टल क्लियर हो चुके हो कि जो डी पर्सन है ना वो एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो डी जो है ना वो एग्रीकल्चर ऑफिसर यहां पर से हट जाएगा। तो एग्जैक्ट क्लियर कहानी हो चुकी है, जो डी है वो क्या रहेगा, वो केवल एम यहां से कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा, क्योंकि एल क्या है आपका टर्मिनल ऑपरेटर है। जब यहां पर एल फिक्स हो चुका है तो यहां पर एल आ नहीं सकता, तो यहां पर एम फिक्स होगा, और एम किसके लिए दे रखा है यहां पर एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो ये क्या चीज नहीं होगी आपकी, टर्मिनल ऑपरेटर नहीं। तो ये कहानी के लिए, अब देखो यहां पर बैंकों में केवल एक बैंक बची है, कौन सी आपकी, देखो एल एम एन पी क्यू आर और एस, तो यहां पर परफेक्टली एक ही जगह पर कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब देखिए यहां पर सी बचा हुआ और एक आपका एफ बचा हुआ है। अब एक बात ध्यान से समझिए, जो सी है रिसर्च एनालिस्ट नहीं है और क्लर्क भी नहीं है, तो रिसर्च एनालिस्ट यहां पर हो चुका है तो क्लर्क बचा, तो क्लर्क यहां आ नहीं सकता, तो क्लर्क बनेगा कहां पर, इस लोकेशन पर। तो जाहिर सी बात है सी के केस में कौन सा बचा हुआ है आपका, देखिए एक इकोनॉमिस्ट बचा हुआ है, तो सी आपका कौन बन जाता है, इकोनॉमिस्ट बन जाता है, और पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि इसके ब्याह पर अपने को एनालिसिस करना था, किस तरीके से चीजें यहाँ पर प्लॉट करी है और आसानी से आप चीजों को हैंडल कर पाए, क्लियर। अब इसके ब्याह पर कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और उनके आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, आप इसके आप आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या रखा है, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वर्क एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर देखो यही था, मतलब बी है, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आगे क्या रखा, फॉर विच बैंक डज डी वर्क, डी एल बैंक के लिए काम कर रहा है, तो डी के इसके लिए हो जाएगा अपना एल के लिए, ये बन जाएगा। आगे क्या रखा, वॉट इज द प्रोफेशन ऑफ सी, तो सी यहां पर है, सी का प्रोफेशन क्या आपका, इकोनॉमिस्ट है, तो ये आंसर क्या बनेगा इसका, इकोनॉमिस्ट इज द आंसर फॉर थर्ड नंबर क्वेश्चन। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वर्क एज अ क्लर्क, तो क्लर्क के लिए कौन है, क्लर्क यहां पर है, ये कौन बनेगा आपका, एफ बन जाता है, तो क्लर्क के लिए आंसर क्या बनेगा आपका, एफ निकल जाएगा। अब कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन प्रोफेसर एंड बैंक इज करेक्ट,
तो देखिए, ए फॉरेक्स ऑफिसर और एम बैंक में काम करता है। ए फॉरेक्स ऑफिसर तो है बट एम बैंक में काम नहीं कर रहा, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, डी क्लर्क है और एल बैंक में काम करता है। डी एल में तो है बट आपका क्लर्क नहीं है, आंसर आपका ये भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है एफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है क्या, एफ एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, ये तो क्लर्क है, मतलब आपका ये भी गलत हो जाएगा। और जो बी है, क्या बी एग्रीकल्चर ऑफिसर है, बी एग्रीकल्चर ऑफिसर तो है बट उसकी बैंक एस नहीं है, उसकी बैंक क्या है, एम है, मतलब ये भी गलत। सारे कट गए तो फाइनली आंसर इसका क्या निकल जाएगा, नन ऑफ दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर लिया। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियोस के अंदर मैं इसी प्रकार की अच्छे से अच्छे लेवल की पजल लेके आऊँगा, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एकदम से एडवांस लेवल ही लेके आए। तो मैंने आज आपको बेसिक पजल कराई, तो ऐसे बेसिक पजल से धीरे धीरे करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, देन हम मॉडरेट लेके आएंगे, उसके बाद एडवांस लेवल की पजल भी लेके आएंगे। और फ्रेंड्स साथ के साथ मैं आपको कुछ वो पजल भी कराऊंगा जो आपके आज के एग्जाम में नए पैटर्न की जो पजल्स होती हैं उन पजल्स को भी हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और फ्रेंड्स साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।